कहता है लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड, क्या होगा इस बार डबल इविक्शन, चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। पर जैसा कि बिग बॉस के घर में इस हफ्ते चार कंटेस्टेंट्स हैं जो नॉमिनेट हुए हैं, जिनमें नाम शामिल है नील भट्ट और इसी के साथ अभिषेक, रिंकू और आयशा। ये चार कंटेस्टेंट्स हैं जो नॉमिनेटेड है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि कल 10 बजे जो है वोटिंग लाइंस भी बंद कर दी जाएंगी, और ऐसे में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वोट जो है अभिषेक कुमार को मिल रहे हैं, लगभग 60% वोट जो है अभिषेक को मिल रहे हैं, और 20 से 22% वोट नील भट्ट को मिल रहे हैं, और 11 से 12% आयशा को, और इसी के साथ 7 से 8% रिंकू को। यानी कि अभिषेक नंबर एक पर है और नील भट्ट नंबर दो पर है, और इसी के साथ आयशा नंबर तीन पर है और रिंकू जी नंबर चार पर है। और इसी के साथ अब सवाल ये उठता है कि डबल इविक्शन होगा या सिंगल इविक्शन होगा या मिडवीक इविक्शन होगा। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि 28 जनवरी को ग्रैंड फिनाले है। अब ऐसे में जब ग्रैंड फिनाले है तो सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं, तो ऐसे में अभी 13 लोग हैं, तो बिग बॉस के घर में डबल इविक्शन होगा, मिडवीक इविक्शन होगा, और नए साल में लगता है कि कोई दो इंसान जो होगा वो घर जाएगा। तो ऐसे में मे भी हो सकता है कि डबल इविक्शन भी हो, लेकिन ये तो बिग बॉस का फैसला है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से रिंकू जी और आयशा जी दोनों ही खतरे में हैं। अब देखना ये होगा कि आज का एपिसोड देखने के बाद क्या यहाँ पर रिंकू जी को भर भर कर वोट मिल जाते हैं और आयशा हो जाती है घर से बेघर। वेल, क्या कहना है इस पर आपको, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।